The last one is the eighth one is preparing and promoting promoting above mentioned code of ethics in company. ऊपर लिखा है जितना डिस्कस किए हैं उन सारे के साथ जुड़ करके पालन करना और करवाना और लोगों को मोटिवेट करना, ये भी जो है कोड ऑफ एथिक्स में आता है। स्टूडेंट्स इतना तक आपको क्लियर हुआ? यस सर। इतना क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। We have seen code of ethics followed in the business houses and the business and or the financial institutions. So this we have seen now. Now we will see different types of ethical behaviors in financial markets. What are those? You can see unethical. Despite these, unethical behaviors are seen in the financial market. क्या क्या देखने को मिलता है आपको? जनरली सबसे है फेकिंग द नंबर, जैसे आप कुछ सामान खरीदने गए आपको कम तौल के दे दिया, आप कहे एक किलो, आप कहे एक किलो, वो पौने एक किलो तौल के दे दिया, और आप कहे कि है ना बराबर एक किलो, आप वो कहेगा हाँ हाँ बराबर एक किलो। क्या किया वो? फेकिंग द नंबर किया, उसने फेक किया कि वह जो सामान आपको दिया है वो एक केजी का है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल बता रहे हैं, या कोई बिजनेस हाउस या कोई कंपनी अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में प्रॉफिट को कम करके दिखाए ताकि टैक्स इवेजन कर सके, एम्प्लाइज को बोनस देने से बचा जा सके, वो अपने प्रॉफिट को कम दिखाएगा, नंबर को फेक किया, तो ये सब देखने को मिलता है। या कोई अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाएगा, अगर उसको शेयर उसने अगर अपना अभी आईपीओ लॉन्च किया है या आईपीओ लॉन्च करने का उसका प्लानिंग है, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, किस कोई भी शेयर मार्केट में नया शेयर इंक्लूड होता है तो पहले आईपीओ निकलता है, आईपीओ जो परचेज हो गया शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर उसका ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एनटीपीसी के शेयर्स जो है, एनटीपीसी पूरा गवर्नमेंट का कंपनी है, अब इसमें डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो इसका शेयर जो है आपका, नहीं एनटीपीसी का तो हुआ है शायद, आई एम नॉट श्योर, एलआईसी का बात करते हैं, एलआईसी जो है 100% गवर्नमेंट का है, इसका डिसइन्वेस्टमेंट होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, फिर एलआईसी का पब्लिक ऑफरिंग मार्केट में आएगा, शेयर मार्केट में, तो पहली बार तो इसको लिस्ट होना पड़ेगा, अब ये बाहर है शेयर मार्केट से एलआईसी, ठीक है, तो एलआईसी सिस्टम में आ जाएगा शेयर मार्केट में, और एलआईसी के पास बहुत पैसा था, पैसा है, और ये सब मार्केट में पैसा आ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको हम लिस्ट कराएं। तो एलआईसी पहली बार अपना शेयर निकालेगी, तो फर्स्ट टाइम जो निकलता है शेयर उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ निकलने से, तो एलआईसी तो सरकारी कंपनी, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी अपना आईपीओ निकाले, जैसे जोमेटो का कुछ दिन पहले आईपीओ आया था, एंड देयर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब अबाउट नियरली अबाउट 200 टाइम्स, कहने का मतलब हुआ कि अगर कंपनी ने 1000 शेयर, ये वॉल्यूम हुआ, 1000 शेयर मार्केट में उसने रिलीज इशू किया पब्लिक ऑफरिंग के लिए, पब्लिक को बांटने के लिए 1000 शेयर्स, और हर शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, और उसने तारीख दे देगा इस तारीख को हम करेंगे, और उसका प्राइस फिक्स कर देगा कि 98 to 100 रुपीज में हम
उसका बीडिंग करेंगे। तो जनरली 2 ही रुपया का अंतर, सब लोग 100 पर लगा देते हैं, 100 पर हम खरीदेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत होता है। वो खरीद लेगा 100 पर, और उसके बाद ये इनिशियल प्राइस हो गया शेयर मार्केट में एंटर करने का। उसके बाद जब वो ट्रेडिंग करेगा तब उसका फिर प्राइस ऊपर नीचे, फिर आगे जब तक मार्केट में है वो चलते रहेगा। पहली बार मार्केट शेयर मार्केट में घुसता तो उसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। तो ये भी प्राइवेट कंपनी फेक नंबरिंग करके अपना प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा दिखा देंगे इस केस में, और आईपीओ रिलीज कर देंगे। जैसे जोमेटो घाटे में कंपनी है, तभी आश्चर्य हुआ, फिर भी 200 गुना इसका बिक गया, ओवर सब्सक्राइब है। 1000 शेयर उसने मार्केट में रिलीज किया पब्लिक को खरीदने के लिए, और 200 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया, मतलब 2 लाख शेयर उसका बिक गया। लेकिन शेयर था 1000, पब्लिक ने पैसा दिया, ब्लॉक हुआ पैसा, 2 लाख शेयर का पैसा जमा करा दिया। तो क्या होगा, जिस दिन शेयर आईपीओ आपका रिलीज होगा, इशू होगा, जिस डेट को, डेट रहता है इसमें, उस दिन शेयर मार्केट में लिस्ट होगा, उस दिन जितने भी इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हैं, अब 2 लाख शेयर खरीद लिया, अवेलेबल है 1000, उसी रेशियो में उनको शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ठीक है, ये 2 लाख टाइम्स हो गया, इसमें कितने इन्वेस्टर हैं, तो ऊपर से टॉप से सारे इन्वेस्टर्स को चुन लिया जाएगा, और 1000 शेयर ही अवेलेबल है, तो उसके रेशियो में किसी ने मान लो बहुत पैसा लगाया है खरीदने के लिए, तो उसको 1000 शेयर का मैक्सिमम चंक मिल जाएगा, कुछ ने कम लगाया तो उससे कम मिलेगा, तो उस रेशियो में ये बढ़ जाएगा, और जो सबसे नीचे वाले रहेंगे उसको कुछ नहीं मिलेगा, नो कोई शेयर नहीं। तो उनके द्वारा लगाए हुए पैसे का क्या हुआ, पैसा वो 1000 का ही लेगा, पैसा जो है फिर रिफंड हो जाएगा। ओके, स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? यस सर, यस सर, यस सर। आप देख लिए फेकिंग नंबर, यस सर, कितना उलट फेर किया जा सकता है। हर लेवल पर ये होता है, ठेकेदार भी कर रहा है, एक दुकानदार भी कर रहा है, बालू उठाने वाला कर रहा है, ईंटा गिनने वाला कर रहा है, सब लोग कर रहा है लगभग, थोड़ा थोड़ा, कोई कम कोई ज्यादा, बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, या गलत चीज को सही बता के पेश कर किया जा रहा है। तो ये जो है एथिकली गलत है, ये अनएथिकल बिहेवियर है फाइनेंसो। दूसरा है एसेट मिसअप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन, ठीक है, यानी इसमें कोई कंपनी में फंड है, मान लो कि फंड का यूटिलाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज करना है सपोज, और उस फंड को मैनेजमेंट जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ले, इसका सिटी वगैरह, बोर हो गए स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट, थक गए हो क्या? मैं चाहता हूँ ये टॉपिक खत्म कर देना, थोड़ा सा रह गया। नो सर, खत्म कर दीजिए सर। क्या होता है ना, एक गैप के बाद आपकी क्लास होती है, तो एक कोई टॉपिक बीच में आधा रह जाता है, तो फिर वो छूट ही जाता है। देखो खत्म कर देते हैं तुरंत, एसेट मिसअप्रोप्रिएशन कब होता है? जी सर, खत्म कर दीजिए सर। हाँ म्यूट कर लो सर। एसेट मिसअप्रोप्रिएशन कहते हैं कि किसी एक फंड के लिए पैसा रखा हुआ है, उस फंड का पैसा किसी दूसरे काम में खर्च कर देना। जैसे मान लो किसी के पास कोई काम के लिए पैसा आया और उसको किसी और काम में खर्च कर दिया। द फंड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज एन अनएथिकल एक्ट। क्लियर?
अब आप देखिए थर्ड वाला, थर्ड वन इज डिस्क्लोजर कंसर्न. सो दिस मीन्स दैट डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियलिटी रख, कॉन्फिडेंशियलिटी रखने की बजाय जिसके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस था उसने लीक कर दिया, डिस्क्लोजिंग अपने बेनिफिट के लिए, या बेच दिया, डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन या तो पब्लिक का या प्राइवेट इंफॉर्मेशन, दोनों इंफॉर्मेशन, जिसको भी लीक करेगा किसी दूसरे, दूसरा उस इंफॉर्मेशन से फायदा उठाएगा, तो जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन है उसके नॉलेज में नहीं है तो ऑब्वियसली उसे लॉस होगा, उसकी प्राइवेसी जाएगी या उसको कोई मॉनेटरी लॉस होगा या कोई फिजिकल लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन या तो बहुत सारे लोगों का मास में कोई मोबाइल कंपनी से डेटा चुरा लिया तो हजारों हजार आदमी का आधार कार्ड और ये सब नंबर एड्रेस फोटो सब एक्सेस हो जाएगा उसको, और ये सब वो एक्सेस कर लेगा. ठीक है, तो डिस्क्लोज ये भी अनएथिकल है. इवन छोटा सा ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहेगा, नहीं थोड़ी सी तो बात है, कोई कहेगा कि अच्छा ये बताइए उसके अकाउंट में बहुत पैसा है क्या, तो कहेगा एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं लेकिन हाँ बहुत है. अब उसके इंफॉर्मेशन मिल गया, अब वो जाएगा उसको उठाने के लिए, उससे रंगदारी मांगने के लिए. उसने ये नहीं बताया कि 500 करोड़ है 10 करोड़ है कि कितना है, उसने बोला कि नंबर नहीं बताएंगे लेकिन हाँ बहुत है, तुम्हारा काम चल जाएगा, मांग लो खुल के जितना मांग लो, दे देगा वो. तो यह इंफॉर्मेशन, लिटिल इंफॉर्मेशन दिया लेकिन बहुत चालाकी से दिया इसने, ये भी अनएथिकल है. ओके, तो डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से. ठीक है, यानी किसी भी तरह का लॉस को छिपाना, मान ले कि कोई कंपनी है अपने लॉस को छिपा रही है अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर से, तो वो अभी अनएथिकल है, यानी उसने डिस्क्लोज नहीं किया, उसने छुपाया. फोर्थ वन इज एग्जीक्यूटिव फोकसिंग, एग्जीक्यूटिव फोकसिंग, ये सब अनएथिकल बिहेवियर है फाइनेंशियल मार्केट. एग्जीक्यूटिव मीटिंग है आपका अनदर, ये किसी एग्जीक्यूटिव को पर्टिकुलर कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा पावर दे देना, जैसा कि रामालिंगम राजू ने अपने दामाद के साथ किया. अपने दामाद को, उसने सीईओ था कंपनी का वो, तो उसने अपने दामाद को भी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया और उस दामाद ने उसकी कंपनी को डुबा दिया और रामालिंगम राजू जेल में. तो उसने क्या किया, एग्जीक्यूटिव फोकसिंग किया, उसको एक पर्टिकुलर आदमी को उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बना के उसको बहुत ज्यादा उसके साथ एसोसिएट किया कंपनी के प्रॉफिट्स को, और एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव को उसने बहुत ही ज्यादा पावर दे दिया, और उसके रिजल्ट में एग्जीक्यूटिव ने अपने पावर का दुरुपयोग किया और पर्सनल बेनिफिट के चक्कर में पूरे कंपनी को बैठा दिया, बंद करा दिया, लॉस में पहुंचा दिया, अल्टीमेटली फ्रॉड डिक्लेयर हो गया और दे आर इन जेल और इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, लोगों का नुकसान हो गया, जो शेयर्स लोग खरीदे हुए थे उनके शेयर्स डूब गए. देखिए नो डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड, अगर तो ये भी अनएथिकल है किसी एक आदमी के हाथ में बहुत ज्यादा पावर दे देना. नो डायरेक्ट, उसमें फिर करप्शन की गुंजाइश बन जाती है बहुत ज्यादा. नो डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड, अगर कंपनी में कोई कमांड का चेन ना हो, यानी बॉस अपने नीचे वाले को कमांड करे एम्प्लॉय को, और ये फिर बॉस हो इसके नीचे वाले एम्प्लॉय का, फिर वो उसको कमांड करे. ओके, क्यों ये एक दूसरे डायरेक्ट यही क्यों नहीं कमांड करेगा, क्योंकि बहुत ये रेडिएटिंग होता है,
एक बॉस है, इसके अंदर ये बॉस है, मान लो वर्टिकल हेड, सारे वर्टिकल हेड का, सारे हॉरिजॉन्टल हेड का, ये बॉस है, हॉरिजॉन्टल हेड के बॉस है। तो इसके नीचे कई सारे वर्टिकल हेड्स हैं, कई सारे हॉरिजॉन्टल हेड्स हैं, तो इनको सबको मैनेज करना है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, एक डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड है, ये लोग इनको कमांड करेंगे, और फिर ये मान लो ये हॉरिजॉन्ट वर्टिकल हेड है, तो इसके नीचे फिर एम्प्लॉयज हैं कई सारे इनके, ये इनको रिपोर्ट करेंगे, दीज एम्प्लॉयज विल रिपोर्ट देम, और यह वर्टिकल हेड फिर अपने बॉस को रिपोर्ट करेगा। इस तरह से कमांड होता है, चेन ऑफ कमांड, और हर कंपनी को इस कमांड चेन में एप्रोप्रिएट पावर को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। मतलब इनके क्या पावर्स हैं, इनके क्या पावर्स हैं, तो उस पावर के हिसाब से चेन ऑफ कमांड बनता है। तो चेन ऑफ कमांड बनेगा तो ये दे विल रिपोर्ट देयर रिपोर्ट इन टाइम। आपने काम, आपको काम दिया गया था, उस काम का क्या हुआ, कितना प्रोग्रेस हुआ, तो ये कमांड रहेगा तो टाइमली रिपोर्टिंग होगा, और अगर रिपोर्टिंग होगा तो फिर उस जो डेटा आया मार्केट से उसका एनालिसिस भी होगा। रिपोर्टिंग नहीं होगा तो एनालिसिस कैसे होगा, रिपोर्टिंग होगा फिर एनालिसिस होगा फाइनेंस का। और अगर ये सिस्टम नहीं है, कमांड चेन नहीं है, उनके अंदर कोई किसी को भी रिपोर्ट कर रहा है, तब काम बिजनेस जो है ढंग से नहीं चलेगा, और यह अनएथिकल भी है, कोई किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। ये इसको रिपोर्ट कर रहा है लेकिन इससे ये भी मांग रहा है कि हमको भी बताओ क्या हुआ, जबकि इसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा डिफरेंट हेड है, तुम अपने अपने सेक्शन का रिपोर्ट करोगे बॉस को, हमको तुम्हारे सेक्शन से क्या मतलब है, हम अपने सेक्शन का रिपोर्ट करेंगे क्या एक्टिविटीज हुए। लेकिन ये हौच-पौच हो जाता है अगर डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड ना हो तो, और अनएथिकल है, एक कंपनी जो है डूब जाएगी। ठीक है, तो ये इतना हो गया बस। दीज आर द कॉमन अनएथिकल बिहेवियर सीन इन द फाइनेंशियल मार्केट। अंत में हम क्या कंक्लूजन है इसका, वो समराइज करके हम लोग इसको खत्म कर देते हैं। दिस टॉपिक विल बी ओवर। सो व्हाट इज द कंक्लूजन नाउ दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस एंटायर लेक्चर, दैट ethics is number one, ethics is one of the most important factors in the world of finances. दूसरा, it is necessary for internal functioning. What is necessary? Ethics. In the financial industry, the participating organization must follow a proper ethics code. So this proper ethics code is necessary for the internal functioning of the organization, as well as external decisions.
दैट अफेक्ट इट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इंटरनल फंक्शनिंग के लिए और साथ ही साथ उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के जो डिसीजन है, मान लें कि हमको एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, तो वो सारे डिसीजंस भी, बिकॉज दीज आर ऑल एक्सटर्नल डिसीजंस एंड दीज विल बी टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, नीचे के एम्प्लॉय तो लेंगे नहीं, तो वो सारे एक्सटर्नल डिसीजंस भी, इनमें भी इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन, इनमें भी प्रॉपर एथिक्स कोड का पालन होना जरूरी है। नंबर थ्री, सिंस फाइनेंस इज द बैकबोन backbone of any business, business and ethics are of similar importance ethics in finance Finance must be followed religiously का मतलब होता है बहुत ही दृढ़ता पूर्वक, उसमें लग करके, passionately लग करके, उसमें अच्छे से धर्म की तरह उसको समझ करके, must be followed religiously without any discrepancy। जैसे कोई व्यक्ति अपना मुलाजिम कोई बहुत बढ़िया से, ईमानदारी से और परिश्रम से काम करता है, तो उसको आप कह सकते हो he is religiously following his duties। So must be followed religiously without any discrepancy। This three सी, तो ये हो गया आपका, दिस इज कंक्लूजन। ओके स्टूडेंट्स, कुछ सवाल किसी को करना है? कुछ पूछना है किसी को? नो सर। तो हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर कर लिया है, दैट इज बिजनेस एथिक्स और एथिक्स इन फाइनेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये एथिक्स इन एनवायरनमेंट, उसके बाद ये फर्स्ट खत्म हो जाएगा, एथिक्स इन एनवायरनमेंट। ओके, तो अब आप लोग अटेंडेंस एक बार बता दो किसका है। मिथुन कुमार सर, पॉलिटिकल साइंस। नीतीश कुमार सर, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। सर वीना, फिलोसफी से। अरे भैया तुम सर खुशबू, फिलोसफी सर। सर खुशबू, फिलोसफी। रुको रुको रुको, अभी हम माने तो जूम मीटिंग एंड देन आई विल शेयर। सर संजय कुमार, पॉलिटिकल साइंस। मिथुन है, देखो जितल में कंडीशन का बना हुआ है पहले से, वहां स्नेहा, नौसिंह, प्राची। ओके सर, संजय कुमार, पॉलिटिकल साइंस। सर जिसका नहीं बना है वो बताओ। हाँ मेरा नहीं बना है सर।
बाबुल सजलोजी। संजय मनीष कुमार मैथ्स। सर रुचि कुमारी सर फिलोसफी। सर खुशबू फिलोसफी। अरे भैया एक का लिखने दो ना। सर रिकॉर्डिंग ऑन है ऑफ कर लीजिए। ओहो अच्छा अच्छा।